गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। पहले तो इसकी डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी थियरी क्या है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं या बेचते हैं तो इस डिस्काउंट की शर्तों का सामना होता है हमारे सामने। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु या जो सेवा हमने खरीदी है उसकी जो कीमत है उसकी कीमत में कमी करके वह वस्तु हमारे सामने पेश की गई है वही क्या है, डिस्काउंट है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और डिस्काउंट काटने के बाद में वह वस्तु हमें 80 रुपए में मिल रही है, तो वो 20 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट, यानी उसकी कीमत में 20 रुपए की कमी हुई, रिडक्ट हुआ ना, वो कीमत, उसकी वैल्यू रिडक्ट हुई, तो वो जो कीमत कम हो रही है उसे ही हम डिस्काउंट कहेंगे। अब डिस्काउंट कितने काइंड्स के होते हैं? डिस्काउंट के काइंड्स है दो। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है वो ये तीन टॉपिक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है उसके भी तीन टॉपिक है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए होलसेलर से जब रिटेलर को कोई माल बेचा जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उसका माल वो खरीदते हैं रिटेलर, ठीक है। एक जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैटलॉग प्राइस पे या परसेंटेज ऑफ लिस्ट के आधार पर उसे दिया जाता है, कैटलॉग प्राइस के आधार पर, ठीक है। और थर्ड बात यह है कि नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। एनकरेज ए डेटर टू पे ऑफ हिज डेट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। एक डेटर यानी देनदार को प्रोत्साहित करने वाला, देनदार को प्रोत्साहित करने वाला कैश डिस्काउंट होता है। देनदार को इसलिए प्रोत्साहित करता है कि मैं तुम्हारे अगर 10,000 रुपए मांग रहा हूं तो तुम 2,000 रुपए कम देकर वो 8,000 रुपए चुका दो, फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसकी डेब्ट को स्पेसिफाइड पीरियड में अगर वह चुका देता है, पे ऑफ कर देता है, उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। किसको एनकरेज करता है? डेटर को, एक देनदार को एनकरेज करता है, ठीक है। सेकेंड, पेमेंट इज टू बी मेड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि तुरंत भुगतान हमें मिल जाए उस वस्तु का या उस सेवा का, उसके लिए भी ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है, तो उसके लिए भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं अपनी पुस्तकों में। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो समझ में आए होंगे। चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अग्रवाल एंड कंपनी ने 20 कट्टे कपास के यानी रुई के खरीदे, 20 कट्टे खरीदे, एक कट्टे का मूल्य है 1,000 रुपए, तो 20 के कितने हो गए 20,000 रुपए, और उनको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। तो देखिए हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल एंड कंपनी अकाउंट, और एंट्री कितने रुपए से होगी, एक कट्टे के 1,000 रुपए, तो 20 के 20,000 रुपए, और उनको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी कि 2,000 रुपए कम करेंगे तो 18,000 रुपए होंगे, तो 18,000 रुपए से एंट्री होगी, 18,000 रुपए डेबिट और 18,000 रुपए क्रेडिट। इसके अंदर देखिए इस एंट्री में कहीं पर भी डिस्काउंट शब्द का नाम आया गया, बिकॉज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसमें सिर्फ जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, उसको कम करके इसमें लिख देंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम इसके अंदर शो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। किसी ने यानी हमने 10 बुक सेल की, एक बुक की कीमत है 100 रुपए, तो 10 की कीमत हो गई 1,000 रुपए, और हमने उस जो 1,000 रुपए की जो 10 बुक बेची उसके ऊपर हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया, उस उन किताबों के ऊपर हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया, तो उसकी एंट्री देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए उन जो के वो किताबें बेची उनका कितना पैसा हमें मिला, तो वो कैश अकाउंट डेबिट, उनका कितना पैसा मिलेगा, 1,000 में से 10% कम करेंगे तो यानी कि 900 रुपए ही हमें मिलेंगे, तो 900 रुपए तो हमें मिल गए, बाकी के जो 100 रुपए थे जो नहीं मिले वो क्या थे, वो तो डिस्काउंट थे ना, तो उनको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट दिया है, माल बेचते टाइम भी हमने डिस्काउंट दिया है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। अगर माल खरीदते समय अगर हमें डिस्काउंट मिला होता तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट करते, ठीक है। अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए वो हो गए, और हमारी पुस्तकें कितने में बिकी, 1,000 रुपए में, तो टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपए।
इस प्रकार से एंट्री होगी। आई होप दोस्तों आपको ये डिस्काउंट का टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।